We generally type in English in all our text-related jobs, like writing letters, applications in MS Word, searching something in the Google search engine, filling forms online, etc., etc., using our keyboard. But sometimes we have to write in different languages, जैसे कि हिंदी, बंगाली जैसे कोई भी regional language में भी लिखना होता है. लेकिन हम लोगों को अक्सर तकलीफ होती है दूसरे कोई भी लैंग्वेज पर टाइपिंग करना, क्योंकि हमें उस लैंग्वेजेस पर टाइप करना आती ही नहीं. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ वन कैन टाइप इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑनलाइन विदाउट हैविंग एनी नॉलेज फॉर टाइपिंग विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन. मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल संजीव. This video is going to be an interesting one, so stick with me till the end. और एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ वो है, अगर आपको ऑफलाइन किसी भी लैंग्वेज पर टाइप करना है लेकिन टाइप करना आती नहीं है आपको, तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि इसकी डिमांड के ऊपर मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो जितना जल्द हो सके लेकर के आऊं इस चैनल पर आपके लिए. तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. लेकिन अगर आप इस चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च पे लिखना है गूगल इनपुट टूल्स. इंटर करते ही एक नया पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा, जहां पर पहला जो लिंक आपको दिखाई देगा गूगल इनपुट टूल्स बोल के, उसी के ऊपर क्लिक कर देना है. अ न्यू पेज विल ओपन ऑफ Google Input Tools, जहां पर कुछ मेनूज आपको देखने को मिलेगा जैसे कि होम, ट्राई इट आउट, ऑन क्रोम एंड ऑन गूगल सर्विसेस. इस मेनूज को छोड़ के और एक मेनू पहले हुआ करता था जिसके जरिए आप डाउनलोड के बाद इंस्टॉल करके इस टूल को यूज कर सकते थे, लेकिन गूगल की तरफ से ये ऑप्शन अभी बंद कर दिए गए हैं. इसीलिए अगर आप ऑनलाइन गूगल इनपुट टूल्स को यूज करना चाहते हैं मल्टी लैंग्वेजेस पे टेक्स्ट लिखने के लिए, तो आपको दो तरीका अपनाना होगा. पहला है यू हैव टू क्लिक ऑन ट्राई इट आउट, जहां पर आपको एक लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा और उसके साथ एक वर्चुअल कीबोर्ड भी देखने को मिलेगा. अभी आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए एरो पर क्लिक कर देना होगा. क्लिक करते ही बहुत सारे लैंग्वेजेस को देखने को मिलेगा, जिसमें से आप जिस लैंग्वेज पर लिखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना होगा. जैसे कि मैंने बंगाली को सिलेक्ट कर रहा हूं. अभी आपको अपना कीबोर्ड से इंग्लिश फॉन्ट में ही टाइप करना होगा और टाइप करने के साथ साथ आपको बांग्ला वर्ड उसी के नीचे में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको खाली प्रॉपर वर्ड को चूज कर लेना है स्पेस बार दबा के. यू कैन ऑल्सो यूज द अप डाउन एरो कीज टू सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड. लिखने के बाद आपको इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेना है और कोई भी एसएमएस वर्ड जैसा सॉफ्टवेयर में जाके उसको पेस्ट कर देना है. इसके बाद अगर आप चाहोगे तो दूसरा कोई भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ हिंदी को सिलेक्ट कर रहा हूँ. और पहले की तरह कुछ टाइप करने के बाद इसको कॉपी करके एमएस वर्ड में पेस्ट कर देते हूँ.
इसके अलावा अगर आप इस पेज को बुकमार्क करके सेव रखना चाहते हो तो आपको ऊपर सर्च बार का दाहिना तरफ जो स्टार आइकन दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर क्लिक कर देना है और ऐड बुकमार्क को चुन लेना है। चुन लेने के बाद अ पॉपअप विल अपीयर जहां पर आपको उस पेज का नाम एंटर करने का और जिस फोल्डर में आप उसको सेव करना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। नाम और फोल्डर को एंटर करने के बाद आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना है। डन करते ही ये पेज सेव हो जाएगा। अभी अगर फिर से क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं और अदर बुकमार्क्स के ऊपर क्लिक करके उस सेव किए गए पेज को क्लिक कर देते हैं तो उसी गूगल इनपुट टूल्स का पेज ओपन होके आपके सामने आ जाएगा। अब आता है दूसरा ऑप्शन, ऑनलाइन किसी भी लैंग्वेज पर टेक्स्ट लिखने का तरीका। और उसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर को पहले ओपन करके गूगल इनपुट टूल्स पेज के अंदर जाना पड़ेगा। जाते ही आपको मेनूज के अंदर ऑन क्रोम बोल के एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जस्ट बिसाइड द ट्राई इट आउट ऑप्शन। आपको उसी ऑन क्रोम ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही गूगल इनपुट टूल्स क्रोम एक्सटेंशन का एक पेज ओपन होके आपके सामने आ जाएगा जहां पर आपको डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको एड टू क्रोम बटन के ऊपर क्लिक कर देना होगा। अ पॉपअप विल अपीयर जहां पर ये पूछेगा कि आप इस एक्सटेंशन को ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। आपको बस ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा और एक पॉपअप दिखाई देगा जहां पर लिखा है कि गूगल इनपुट टूल्स हैज बीन एडेड टू क्रोम एज एक्सटेंशन। नाउ क्लिक ऑन द एक्सटेंशन आइकन। क्लिक करते ही गूगल इनपुट टूल्स का एक्सटेंशन को दिखाई देगा। उसके ऊपर क्लिक करके एक्सटेंशन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद ऐड इनपुट टूल्स का कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा जिसमें से आपको किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते ही ये आपको सिलेक्टेड इनपुट टूल्स का पेन में दिखाई देगा। इसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द एक्सटेंशन आइकन जहां पर आपको ये लैंग्वेज दिखाई देगा। अब उसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है सिलेक्ट करने के लिए। दोबारा अगर आप उसी ऑप्शन पर जाओगे तो आपको ये सिलेक्ट होते हुए नजर में आएगा। नाउ यू कैन राइट टेक्स्ट इन दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज जिसको आपने सिलेक्ट किए हैं। इसके लिए आपको कोई भी वेब पेज पर जाना होगा जैसे कि मैं अभी फेसबुक का एक पेज पर जाके कमेंट लिख रहा हूं उसी लैंग्वेज पर। यू कैन रिमूव दिस एक्सटेंशन फ्रॉम हियर बाय क्लिकिंग द रिमूव फ्रॉम क्रोम बटन। इसके अलावा अगर आप एक्सटेंशन आइकन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको गूगल इनपुट टूल्स का एक्सटेंशन ऑप्शन के बगल में 3 डॉट्स देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्रोम पे आपको क्लिक कर देना है और एक बार रिमूव बटन के ऊपर भी क्लिक कर देना होगा इस एक्सटेंशन को रिमूव करने के लिए। रिमूव करते ही आपको ऐड टू क्रोम ऑप्शन फिर से देखने को मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करके आप इस एक्सटेंशन को फिर से ऐड कर सकते हैं। तो ये था गूगल इनपुट टूल्स के जरिए ऑनलाइन टाइप करने का फंडा जिसको फॉलो करके आप अपना ऑनलाइन टाइपिंग किसी भी लैंग्वेज पर कर पाओगे विदाउट एनीवनस हेल्प। जैसे मैं वीडियो की शुरुआत में भी कह चुका हूँ कि खूब जल्द ही मैं कोशिश करूँगा ऑफलाइन टाइपिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस पर आधारित एक वीडियो लाने का जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि कैसे ऑफलाइन यानी विदाउट इंटरनेट आप किसी दूसरे लैंग्वेज पे भी टाइप कर सकोगे। सो उसके लिए थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हर नया वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलता रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।